दोपहर के 1:25 हो रहे हैं, मंडे का दिन और स्कूल का फर्स्ट डे है, 1st of August। मैं जा रहा हूँ। अच्छा हनीफ, ओके अल्लाह हाफिज़, बिजी मैन। तो ये हनीफ है मेरा दोस्त, चलो चलें। ओके अली भाई अल्लाह हाफिज़, कैमरे में देखे हाथ हिला दो। ओके अल्लाह हाफिज़, ओके अल्लाह हाफिज़ उस्मान, चलें। आज काफ़ी लेट हो गया हूँ, 1:25 पे स्कूल से निकल रहा हूँ और जाने का टाइम हो गया। हाँ भाई, तकरीबन 1:30 बजने वाला है और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। बस उम्मीद है कि इस दफ़ा जो है टीचर से कपड़े ख़राब ना हो। बहरहाल निकल रहे हैं स्कूल से। चलो भाई, आखिर काफ़ी सारा रास्ता जो है पीछे तय कर लिया है और अभी गुलशन टेराडी पहुंच गया हूँ। यहाँ से अब हमें इस समंदर को पार करके हमें दूसरी पार जाना है। देख तो यार ये मसले, नींद आ रही है भाई। असल में दोपहर को टाइम फिक्स किया हुआ है मैंने स्कूल से आने के बाद फौरन सोने का, तो अभी आज थोड़ा लेट हो गए स्कूल से, तो इस वजह से अभी से नींद आना शुरू हो गई है। हमारे इंसान, हम इंसानों की जो बॉडी क्लॉक है ना, वो एक ख़ास टाइम पे काम करती है। हम इसको जैसा बनाते हैं ना शुरू से, तो ये उसी की जो है शेड्यूल, उसी मतलब टाइम शेड्यूल को अपना लेता है। अगर हम लेट सोने के आदी हैं तो हम जितनी चाहे कोशिश कर लें हम जल्दी नहीं सो पाएंगे। अगर लेट भी जाए, लाइट भी ऑफ कर दे, नींद नहीं आएगी अनटिल और अनलेस कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा ना थका दें। एक शर्त यही कि हम अपने आप को दिन भर इतना थका दें तो हमें रात को जल्दी नींद आ सकती है। अगर हम एक डेली रूटीन में अपने रोज़ाना की वही रोज़मर्रा ज़िंदगी के वही सरगर्मियाँ कर रहे होते तो हमें नींद फिर नहीं आती। थोड़ा सा आमतौर पर होता है कि जिस दिन आप जल्दी सोना चाहते हो उस दिन आप दिन में खुद को थोड़ा सा ज़्यादा थका लें तो ये होता है कि आपको नींद जल्दी आ जाती है, क्योंकि हमारा बॉडी क्लॉक एक ख़ास रूटीन पे चल रहा होता है। जो रूटीन हम कंटिन्यूसली कई दिनों तक यानी कि 1 महीने तक कर लें तो हमारी आदत में शामिल हो जाता है और हमारे बॉडी को इंस्ट्रक्शन मिल जाता है कि हम जो है कि इसे कब सोना है, कब कैलुला लेना है, अब रेस्ट की ज़रूरत है। ये सिलसिला है भाई, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोई साइंसी आदमी नहीं हूँ, साइंसदान नहीं हूँ, ये तो मैं अपने तजुर्बात बता रहा हूँ जो मेरे साथ डेली रूटीन में होता है। अरे भाई एक तो ये कर, ओहो, ये जैसे मुझे अभी दोपहर 2 बजे नींद आना शुरू हो गई है। क्यों? इसकी वजह ये है कि मैं रोज़ाना दोपहर 2 बजे या किसी भी टाइम 2 बजे के बाद 3 बजे जब भी मौका मिले मैं लाजमी सोता हूँ, लेकिन आमतौर पर 2 बजे मुझे नींद आना शुरू हो जाती है गहरी नींद। तो 1 से 1.5 घंटा, कभी कभी 2 घंटे भी मैं जो है शाम को सो जाता हूँ, दोपहर से शाम तक।
फाइनली घर पहुंच गए और बाइक कहाँ खड़ी करूँ, बाइक खड़ी करूँ यहाँ पर ऊपर। अरे भाई लगता है सीट का काम कर रहा है मेरा भाई। लॉक कर दूँ बाइक को। ये हाल है यहाँ पे कराची में, सर्विस कराओ और फिर बारिश में गंदगी हो जाए, तो अच्छा अच्छा है कि इसको सर्विस ना ही कराए। चलो भाई घर पहुँच गए, हाल बुरा है। फाइनली घर पहुँच गए हैं और पता नहीं बेगम क्या हिसाब किताब लेके बैठ गई है ये, तो बैटरी भी कम है। तो फाइनली घर पहुंच गया हूँ। आज का दिन बड़ा टफ था, बहुत मसरूफियात थी, हेलमेट भी नहीं उतारा देखो घर पहुंच कर। अब हमारी बेगम साहब पता नहीं क्या हिसाब किताब में लगी पड़ी है। तो आज का व्लॉग करते हैं यहाँ ख़त्म, कल इंशाल्लाह। आज का दिन कोई खास नहीं था, बस यही था कि स्कूल का पहला दिन था और फिर काफ़ी मसरूफियात थी। 2 महीने बाद स्कूल खुला है, 2 महीने का सारा काम होता है, बच्चों को वेलकम करना होता है। वो इंटरनल चीज़ें मैंने इसलिए व्लॉग में नहीं दिखाई कि वो थोड़ा जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंशियल होता है, आप इस नहीं कर सकते आप किसी इदारे में काम करते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे बच्चों की एक्टिविटीज़ भी आपको दिखाएं। आज के लिए इतना काफ़ी है, अल्लाह हाफिज़।